गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों यार सुबह सुबह उठते ही यार पापा बोलते कि नीचे जा दुकान से कुछ सामान लेके आ। तो यार मैं तो नीचे जा रहा हूँ सीढ़ियों से क्योंकि यार लिफ्ट हो चुका है खराब, डेट्स वाई सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है। तो यार फटाफट चलते हैं सामान लेते हैं एंड उसके बाद सीधा आपसे मिलते हैं। तो यार फाइनली सोसाइटी में पहुंच चुका है एंड यार सामान लेके आ चुका है एंड सामने मेरी बाइक खड़ी है। तो चलो यार फटाफट चलते हैं ऊपर एंड नहाते एंड नहाने के बाद ना सीधा यार निकलेंगे ऑफिस के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो दोस्तों यार नहा धो के हो चुका हूँ रेडी एंड यार ये मेरा बैग एंड मैं रेडी हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो चलो यार दोस्तों मैं तो निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि यार ऑफिस में जाने के बाद ना बहुत सारा बाहर का भी काम है एंड ऑफिस का भी काम है तो फटाफट सब निपटाना पड़ेगा। तो गाइस मैं तो सुबह ही ऑफिस आ गया था लगभग 8:30 के आसपास और रोहन भी जस्ट अभी पहुंचा है जो कि अभी रेस्ट मोड पे है। और मेरा यहाँ पे कब से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी सुबह से रिकॉर्ड हो चुका है जो कि मैथ्स का था। अभी मैं साइंस का लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, काफी बड़ा लेक्चर होने वाला है तो आप लोग जब भी आएगा तो देख लेना हमारे मेन चैनल जया ट्यूटोरियल्स पे। बाकी अभी एक लेक्चर बनाने के बाद हमारे सूरज सर आ जाएंगे कॉमर्स वाले, उनको भी बताना है कि आज का क्या शेड्यूलिंग एंड बाकी चीजें करेंगे तो इस ब्लॉग में आप लोग बने रहो। तो यार दोस्तों ऑफिस पहुंचते ही यार बहुत सारा काम मिल चुका है यार, यहाँ पे बहुत सारे फोन से लैपटॉप यार बहुत सारा काम निपटाना है। इसके बाद यार मुझे बाहर भी जाना है क्योंकि यार बैंक के बहुत सारे काम है तो यार जल्दी जल्दी से मैं काम निपटाता हूँ एंड उसके बाद यार बाहर जाऊँ। तो जैसे यार अभी हम लोग निकलते हैं ना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एंड बैंक जाने के लिए ना, तभी यार यहाँ पे आ जाती है प्रिया टीचर एंड तभी यार वो बोलती है कि यार मुझे तो वीडियो बनाना है। तो मैं बोला कि यार आप वीडियो बना लो हम लोग चलते हैं बाहर। तो भाई और मैं पहुंच चुके हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एंड यार यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले ये मांगते हैं हमसे ट्रैकिंग आईडी जो हमारे पास नहीं था। तो फिर यार मैं यहाँ पे ना कस्टमर केयर को फोन करता हूँ एंड बोलता हूँ यार प्लीज यार मेरा ट्रैकिंग आईडी दे दो एंड ट्रैकिंग आईडी लेने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ अंदर। एंड अंदर जाने के बाद ना आज तो सोच लिया था कि आज तो भाई कुछ भी हो जाए एटीएम लेके जाना ही है घर पे। तो फिर यार यहाँ पे ना हम यहाँ पे जाते हैं एंड भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा देता है। फिर उसके बाद ना यहाँ पे वो चेक करते हैं तो चेक करने के बाद पता चलता है यार कि जो भी हमारा एटीएम था ना एंड पापा का एटीएम था ना वो पहुंच चुका था बैंक में। तो डेट्स वाई यार अभी हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से बैंक जाने के लिए एंड यार रास्ते में ना भाई यार आराम से बैठा हुआ है एंड यार मैं यहाँ पे बाइक चला रहा था तो कोई बात नहीं दोस्तों यार थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। फिर यार अभी ऑलमोस्ट अभी हम लोग पहुंचने वाले थे बैंक एंड ये रास्ते पे मैं बहुत टाइम बाद आ रहा था तो थोड़ा अलग सा फीलिंग आ रहा था। उसके बाद ना यहाँ पे यार फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ SBI बैंक में। तो चलो यार अंदर चलते हैं एंड देखते हैं यार कि क्या माजरा है एंड ATM हमारा क्यों नहीं आया था अभी तक। तो यार यहाँ पे मैं बाइक खड़ा करता हूँ एंड सीधा चलते हैं अंदर एंड फाइनली दोस्तों अभी ये मेरा ATM मिल चुका है एंड मैं भाई को भी घर पर छोड़ दिया हूँ एंड उसके बाद ना मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ यार क्योंकि बहुत तेज भूख लग गई थी एंड भाई और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हम लोग बहुत ही ज़्यादा बाहर निकले थे काम की वजह से। उसके बाद ना मैं यहाँ पे आता था सरोवर होटल जो था मेरा फेवरेट बिकॉज यार यहाँ का जो खाना होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है, डेट्स वाई मैं यहाँ पे आया। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या देख रहा हूँ दोस्तों कि यार होटल ही बंद है। अब यार ये देखिए ना मेरा लिटरली मूड खराब हो रहा था तभी यार मैंने भाई को फोन किया तो भाई बोलता है कोई बात नहीं ना बाजू वाले होटल में चले जाओ वहाँ पे मिल जाएगा। तो यार मैं यहाँ से मेरा बाइक उठाता हूँ एंड निकल जाता हूँ यार यहाँ पे दूसरे होटल पर जाने के लिए जिसका नाम था रौनक ढाबा। तो यार रौनक ढाबा में पहुंचने के बाद ना मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि यार टाइम हो रहा था 4:30 एंड 4:30 बजे यार कोई भी होटल वाला ना यहाँ पे आई थिंक खाना नहीं बनाते। तो यार इनको हम लोग ने रिक्वेस्ट किया तो फिर यार वो बोले ठीक है यार 5-10 मिनट का आप वेट कर लो यहाँ पे हम आपके लिए बना देंगे। एंड यार यहाँ पे मैं वेट कर रहा था एंड फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मेरे एक सोसाइटी में एंड चलो यार ऊपर चलते हैं एंड खाते हैं। तो दोस्तों यार शाम का टाइम हो चुका है एंड लिटरली बता रहा हूँ यार आज का दिन बहुत ज्यादा एक्टिव था, बहुत ज्यादा हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है एंड यार भाई भी यहाँ पे बैठ के आराम कर रहा है जैसे कि आपने ब्लॉग के अंदर देखा यार कि बहुत बार हम लोग को बैंक जाना पड़ा पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा जिससे यार लिटरली हालत खराब हो गया। तो चलो यार अभी थोड़ा देर आराम करेंगे एंड यार रात तो हो चुकी है शाम के 7 बज चुके एंड अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस सारे वीडियोस के काम कंप्लीट हो गए और जो वीडियोस अपलोडिंग के काम थे वो भी हमने कर दिया है। ऑलमोस्ट अभी जो टाइम बज गया है वो बज रहा है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ। तो चलो फटाफट से यार निकलते हैं घर पे और घर पे जाके फिर खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं। तो यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ ब्रिज पे एंड यार ब्रिज पे ना जो वाइब्स आ रही थी ना लिटरली अब बहुत ही ज्यादा मस्त आ रही थी। तो चलो यार चलते हैं घर पे। तो फाइनली गाइस घर पे पहुंच गया और यहाँ पे डायरेक्टली चेंज करके मैं आ चुका हूँ किचन में जहाँ पे मम्मी जो है सब्जी बना रही है और यहाँ पे रोहन जो है बर्तन धोने जा रहे हैं। तो नॉर्मली खाना बन रहा है अभी जस्ट 15-20 मिनट के अंदर हाफ एन आवर के अंदर खाना तैयार हो जाएगा फिर फटाफट खाना खा। तो गाइस फाइनली हम लोग का जो डिनर था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मैं भी ऑलमोस्ट थक चुका हूँ और यहाँ पे रोहन ऑलरेडी नींद में लग रहा है मुझे और बज चुके हैं रात के ऑलमोस्ट 11। तो फटाफट से सोते हैं, लास्ट में खाना खाने के बाद यूजुअली मैं कभी कभार ले लेता हूँ जो कि है क्या एक जलजीरा एंड लेमन मिक्स वाटर जो कि डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्प करता है। तो फटाफट से इसको पी लेते हैं एंड फिर सोने की कोशिश करते हैं। चलो गाइस तो आज के लिए इस ब्लॉग को फिर हम एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग एंजॉयबल लगा होगा। ठीक है तो ऐसे ही हम डेली बेसिस पे ब्लॉग्स आपके लिए ला रहे हैं तो जरूर से आप कमेंट करके फीडबैक जरूर से बताइएगा और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं डेली ब्लॉग्स तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, उनको बताओ कि राहुल सर इज डूइंग रेगुलर बेसिस ब्लॉगिंग तो प्लीज़ शेयर टू एवरीवन और लाइक करके अच्छा अच्छा कॉमेंट भी कर देना। ठीक है
और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।